बिजनेस की दुनिया में अगर कोई तरक्की करना चाहता है तो उसके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है तो यकीन मानिए उसे उड़ान भरने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता का आसमान बाहें फैलाकर उसकी राह तकता है। कुछ ऐसी ही कहानी है सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज के मालिक गुलशन कुमार की, जिनके बिजनेस आइडिया की बदौलत उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अचानक उनकी हत्या हो गई और एक इंसान हमेशा के लिए लोगों की यादों में बस गया। बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक। हम लेकर आए हैं आपके लिए गुलशन कुमार मर्डर केस मिस्ट्री की पूरी हिस्ट्री। गुलशन कुमार की पूरी कहानी शुरू होती है दिल्ली से, दिल्ली के नोएडा में जहां आज फिल्म सिटी है। वहां पर सबसे पहले बिल्डिंग टी सीरीज की बनी थी, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज का बना था जिसे गुलशन कुमार ने बनवाया था। आज यहाँ पर गुलशन कुमार के दो स्टूडियो और सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज का दफ्तर भी है। इन स्टूडियो में आज भी फिल्मों की शूटिंग होती है, म्यूजिक एल्बम बनते हैं। बात 80 के दशक की है। दिल्ली के दरियागंज में गोलचा सिनेमा के पास एक जूस की दुकान हुआ करती थी। बचपन में गुलशन कुमार जूस की दुकान में बैठा करते थे। धीरे धीरे जब उनकी तरक्की हुई तो गुलशन कुमार के पिता ने एक बड़ी सी दुकान खरीद ली। इसमें कैसेट और टेप रिकॉर्डर बेचने के साथ साथ रिपेयरिंग का काम भी होता था। यहाँ काम करते करते गुलशन कुमार के दिमाग में ख्याल आया क्यों ना कैसेट इंडस्ट्री में जाया जाए। उस समय गाने ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर बाजार में बिकते थे, वो काफी महंगा आता था। गुलशन कुमार इस आइडिया की तलाश में थे कि किस तरह सस्ता कैसेट बाजार में लेकर आया जाए। धीरे धीरे उन्होंने नोएडा में एक स्टूडियो तैयार किया और छोटे छोटे कैसेट बनाना शुरू कर दिए। उस समय ऐसे सिंगर जिनको कहीं मौका नहीं मिलता था वो उनको लेकर धार्मिक गाने गवाते थे और उन धार्मिक गानों के कैसेट तैयार करके फिर उनको मार्केट में बेचा करते थे। गुलशन कुमार की एक कैसेट काफी सस्ती हुआ करती थी और यही उनका वो इनोवेटिव बिजनेस आइडिया था जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का उनका रास्ता तैयार किया। वो सिंगर जो कभी छोटे छोटे फंक्शन में गाते थे वो गुलशन कुमार के स्टूडियो में आकर गाने रिकॉर्ड करने लगे और उनके धार्मिक गानों के कैसेट बाजार में बिकने लगे। कैसेट सस्ते थे और गाना गाने वाले सिंगरों की क्वालिटी लोगों को पसंद आती थी, इसलिए गुलशन कुमार का बिजनेस वहां से चल पड़ा। उस समय टेप्स और दूसरी कई ऐसी म्यूजिक कंपनियां थी जिनके कैसेट बाजार में आते थे, लेकिन उनके रेट से आधे से भी कम रेट में गुलशन कुमार अपने गानों के कैसेट बाजार में बेचा करते थे। म्यूजिक इंडस्ट्री में धार्मिक गानों से शुरुआत करने वाले गुलशन कुमार का म्यूजिक का टेस्ट बदलने लगा और उन्होंने दूसरे गानों पर भी फोकस किया। उसके साथ ही कई ऐसे फेमस सिंगर थे जो सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज टी सीरीज के जरिए फेमस हुए। इनमें लता मंगेशकर, मानी जाने वाली अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, सोनू निगम, शब्बीर कुमार, मुन्ना अजीज जैसे सिंगरों की आवाज को लोगों ने बहुत पसंद किया। किशोर कुमार की आवाज में कुमार सानू चल निकले तो मोहम्मद रफी की आवाज में गाना गाने वाले सोनू निगम भी लोगों के दिलों पर राज करने लगे और इसके साथ ही सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज दिनों दिन एक बड़ा नाम होता चला गया। शायद आप लोगों को याद होगा उन्हीं दिनों लाल दुपट्टा मलमल का नाम से एक म्यूजिक एल्बम सामने आया था जिसके गाने सुपर डुपर हिट हुए। बाद में इसी नाम से एक फिल्म भी बनी और फिल्म भी सुपर हिट हुई। कई सारे सिंगर्स को मौका देने के साथ साथ गुलशन कुमार ने कई संगीतकारों को भी मौका दिया। वो ज्यादातर नए लोगों को चांस देते थे और उन्हें उनकी सफलता का आसमान दिलाने के बाद उन्हें उनकी उड़ान के लिए स्वतंत्र छोड़ देते थे। इन्हीं संगीतकारों में से एक थे नदीम श्रवण। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर संगीतकारों की जोड़ी हिट हुआ करती थी, उसी तरह गुलशन कुमार की सुपर कैसेट इंडस्ट्री में भी नदीम श्रवण की जोड़ी काफी पसंद की जाने लगी। सुपर कैसेट इंडस्ट्री ने अब दिल्ली से चलकर मुंबई में पैर पसार लिए। मुंबई में आने के बाद उन्होंने फिल्मों की म्यूजिकल राइट्स भी लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे काम बढ़ता गया। 1995-96 तक स्थिति ये बन गई कि सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज बॉलीवुड की सबसे बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री बन गई। उसका म्यूजिकल मार्केट में 65% तक कब्जा हो गया और गुलशन कुमार संगीत की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गए। गुलशन कुमार की कंपनी का उस दौर में लगभग 350 करोड़ का टर्नओवर हो गया था। उसी दौरान एक बहुत बड़ी म्यूजिकल फिल्म आशिकी रिलीज हुई और इसके सारे गानों ने जबरदस्त पब्लिसिटी हासिल की। इस फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने दिया था। नदीम श्रवण भी रातों रात म्यूजिक की दुनिया में बड़े स्टार बन गए और एक बड़ा नाम बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने लगातार म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी।
इनमें साजन, परदेश जैसी फिल्में और इनके संगीत को लोगों ने बड़ा पसंद किया। संगीतकारों की इस जोड़ी की सफलता के साथ साथ कई फिल्म फेयर अवार्ड और दूसरे सम्मान भी मिले। म्यूजिक की दुनिया में एक बड़ा नाम हो गए थे वो, लेकिन शायद यही इस जोड़ी का पीक भी था, क्योंकि यहाँ से गुलशन कुमार और नदीम के बीच दूरियां शुरू हो गई। नदीम बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे, इसमें कोई शक नहीं, जो श्रवण के साथ मिलकर बेहतरीन म्यूजिक दिया करते थे। लेकिन इसके साथ ही उन्हें गाने का भी शौक चढ़ा और उन्होंने एक एल्बम बनाया हाय जिंदगी, जिसमें 2 से 3 गाने उन्होंने खुद ही गाए। हालांकि इनकी गायकी में वो बात नहीं थी जो इन्हें एक सिंगर के तौर पर हिट करा सकती थी, लेकिन इसे बिजनेस का दबाव कहीं या फिर कोई और कारण, गुलशन कुमार ने उनके गाने को प्रमोट भी किया पर फिर भी वो पिट गए। इसके बाद गुलशन कुमार ने नदीम के गानों को प्रमोट करना बंद कर दिया। गुलशन कुमार की एक और खासियत थी, उनके साथ काम करते हुए जो लोग सक्सेसफुल हो जाया करते थे, फिर गुलशन आगे उनके साथ काम नहीं करते थे, बल्कि वो हमेशा नए लोगों को मौका दिया करते थे। अपनी इसी पॉलिसी के चलते उन्होंने अपनी नई फिल्मों में नए म्यूजिक डायरेक्टर को काम देना शुरू कर दिया। इधर नदीम को लगा गुलशन कुमार उसका करियर खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके एल्बम को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, साथ ही उनको उसका काम भी नहीं दे रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये सारे फैक्ट गुलशन कुमार केस में अदालत के सामने आ चुके हैं। सन 1996 में गुलशन कुमार के पास अंडरवर्ल्ड से एक फोन आया, जिसमें उससे एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड की गई। बताया गया कि वो पैसा गुलशन कुमार ने दे भी दिया, हालांकि ये बात पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई। नदीम के भी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन थे, बब्बू सलीम से कनेक्टेड था, उसने गुलशन कुमार के व्यवहार को लेकर अंडरवर्ल्ड से हेल्प मांगी। अब्बू सलीम में दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम से कनेक्टेड था, उसने गुलशन कुमार को फोन किया और कहा तुम हमें 10 करोड़ रुपए दो और नदीम के गानों को प्रमोट करो। इस बात से गुलशन कुमार परेशान हो गए और वो पैसों की पहली किस्त दे चुके थे। उन्होंने अंडरवर्ल्ड को अपनी सफाई भी दी कि उनके पास काफी काम है। उन्होंने एक बार नदीम के गानों को प्रमोट किया मगर वो चल नहीं पाए, मगर इस सफाई का अंडरवर्ल्ड पर कोई असर नहीं हुआ। वो पैसों और नदीम को प्रमोट करने के लिए गुलशन कुमार पर दबाव बनाते रहे। दूसरी बार गुलशन कुमार ने पैसे नहीं दिए। 5 अगस्त 1997 को एक बार फिर अबू सलीम का गुलशन कुमार के पास फोन गया कि तुमने पैसे नहीं दिए, न पुलिस में रिपोर्ट की, तुम हमें हल्के में ले रहे हो। ये तमाम बातें गवाही के तौर पर गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार ने अदालत को बताई। इसके 3 दिन बाद अबू सलीम का 8 अगस्त को एक बार फिर गुलशन कुमार के पास फोन गया, जिसमें कहा गया तुमने पैसे नहीं दिए, इसके बाद अपने अंजाम के लिए तुम खुद जिम्मेदार होंगे। उस समय किशन कुमार भी वहीं बैठे हुए थे और वो सारी बातें सुन रहे थे। गुलशन कुमार अंडरवर्ल्ड से पंगा नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वो पुलिस के पास भी नहीं गए। एक बात और सामने आई कि गुलशन कुमार ने उन फिल्मों के राइट्स लेना बंद कर दिया था जिनमें नदीम श्रवण का संगीत हुआ करता था। इसका सीधा मतलब ये था कि मार्केट के 65% लोगों तक नदीम श्रवण का म्यूजिक डायरेक्ट नहीं पहुंचा था। इस बात के लिए गुलशन कुमार को धमकाया गया। जुहू के स्लम एरिया में एक छोटा सा मंदिर था जहां गुलशन कुमार अक्सर जाया करते थे। उन्होंने इस मंदिर में अपने पैसों से काफी काम भी कराया था, उनके इस मंदिर में आस्था थी, वो सुबह शाम जाया करते थे। ये बात 12 अगस्त 1997 को सुबह 10 बजे की है, जब गुलशन कुमार जुहू के इसी मंदिर में पूजा करने के लिए गए और 10:40 पर जब पूजा करके लौटे तो उनका सामना 3 अनजान लोगों से हुआ। उनमें से एक लंबे बालों वाला था, उसने सबसे पहले आकर उनके सिर में गोली मारी। गुलशन कुमार ने अपने बचाव में जब एक तरफ भागना चाहा तो 2 लोग और सामने आए, उन्होंने भी ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके बाद हमलावर एक टैक्सी करके वहां से भाग गए। ये खबर बहुत जल्दी पूरे देश में फैल गई। उस समय महाराष्ट्र के उस समय के गृह मंत्री गोपीनाथ मुंडे का कहना था कि गुलशन कुमार ने कभी उन्हें इस बारे में बताया ही नहीं। गुलशन कुमार की डेड बॉडी को दिल्ली लाया जाता है, जहां उनके फ्यूनरल में फिल्म इंडस्ट्री के वो तमाम लोग मौजूद थे जो गुलशन कुमार को चाहते थे, उनके काम से प्रभावित थे। सिर्फ नदीम वहां मौजूद नहीं था। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी और 16 अगस्त को जावेद और रफीक नाम के 2 लोगों को पकड़ती है, उनसे पूछताछ होती है। अबू सलीम का नाम सामने आता है, साथ ही बात सामने आती है कि मई 1997 को अनीस इब्राहिम के दफ्तर में गुलशन कुमार की हत्या की प्लानिंग की जाती है। इसके बाद पुलिस दाऊद मर्चेंट को पकड़ती है जो गुलशन कुमार पर गोली चलाता है और बाद में उसके दोनों साथियों को भी पकड़ लेती है। लेकिन इसके साथ ये बात भी सामने आती है कि तीनों को गुलशन कुमार की हत्या के 25 लाख रुपए दिए गए थे, जो टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तौरानी ने दिए थे। इस कंपनी के सामने आने के बाद पुलिस ने रमेश तौरानी समेत 19 लोगों को गिरफ्तार किया, सभी पर मुकदमा चला। इनमें से दाऊद मर्चेंट को उम्र कैद की सजा हुई,
जिसका असली नाम अब्दुल रऊफ था। बाकी सभी को बरी कर दिया गया, बचते हैं नदीम और अबू सलीम। नदीम की पत्नी प्रेग्नेंट थी, जिसके चलते वो यूके में था। इसके बाद पुलिस को उम्मीद थी कि वो वापस आएगा, लेकिन वो वापस नहीं आया। उसने वहीं की सिटीजनशिप हासिल कर ली, लेकिन फिलहाल वो गल्फ में है और परफ्यूम का बिजनेस कर रहा है। अबू सलीम को 2005 में गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन उसे 1993 के बम ब्लास्ट और दूसरे अन्य मामलों में अरेस्ट किया गया। लेकिन इस मामले में गुलशन कुमार की हत्या का जिक्र नहीं था, लिहाजा उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि अबू सलीम को पुर्तगाल से गिरफ्तार किया गया था। अबू सलीम को भारत लाया गया, उन शर्तों के मुताबिक उस पर कोई नया केस नहीं लगाया जाएगा। तो ये थी गुलशन कुमार मर्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस पर आपकी राय का इंतजार हमें रहेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।